All right. So in this video, we will talk about Roland Barthes. So Roland Barthes belongs to structuralism and also to post-structuralism. But here we are discussing him through the perspective of structuralism. So he wrote a very famous book in 1970, Sarrasine. This is SZ, but the pronunciation is Sarrasine. So it came in 1970. And he has also written The Death of the Author, a very famous book. But we are not concerned with that particular book right now. We are concerned with his Sarrasine, in which he talks about structuralism, or he has, he has analyzed a short story named Sarrasine. It's a short story by Henri de Balzac. And he has analyzed this short story in this work, Sarrasine, 1970. And how he has analyzed it, I will tell you. So Barthes methodically, by methods, right? Methodically moves through the text of the story, denoting where and how different codes of meaning function. Ki isme kaise codes hai? जो कि मीनिंग्स के कोड्स है, कौन-कौन से ऐसे कोड्स है जो इसमें फंक्शन करते हैं, बिकॉज़ ही इज अ स्ट्रक्चरलिस्ट एंड अ स्ट्रक्चरलिस्ट वुड ऑलवेज डिवाइड थिंग्स एंड ही वुड ऑलवेज मेक अ स्ट्रक्चर. वो हर एक चीज का स्ट्रक्चर बनाने पे जोर देगा, वो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा हर एक चीज की. तो इसने भी सरासिन के साथ ऐसा ही किया, इसने इसको स्ट्रक्चर्स में तोड़ा, कोड्स में तोड़ा. कैसे तोड़ा? बाथ स्टडी हैज हैड अ मेजर इंपैक्ट ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म आल्सो ऑब्वियसली एंड is historically located at the crossroads of structuralism and post-structuralism. ये कहीं ना कहीं मतलब बीच में belong करता है, लेकिन structuralism में तो ये है ही है, तो इसीलिए हम इसे discuss कर रहे हैं. structuralism की ये मेरी last video है. इससे पहले मैं introduction दे चुका हूँ structuralism पे एक video में, उसके बाद I have talked about Ferdinand de Saussure and his terms and works, and after that I have talked about Claude Lévi-Strauss, Charles Sanders and other writers with their famous terms and works. And now this is last video on structuralism. So you can check all those videos for better understanding, right? So Barthes analysis is influenced by the structuralist linguistics of Ferdinand de Saussure. Usse influence hua tha Ferdinand Saussure ji se. Both Barthes and Saussure aim to explore and demystify the link between a sign and its meaning. कि साइन और मीनिंग के बीच में एक लिंक जो है वो क्या लिंक है, वो ये निकालना चाहते. तो बार्थ्स ने क्या किया, रोलां बार्थ्स ने क्या किया, फाइव स्पेसिफिक कोड्स, पांच कोड्स दिए इसने, दैट थीमेटिकली एंड सिमियोटिकली, सिमियोटिक्स होता है स्टडी ऑफ साइंस, साइंस की स्टडी, एंड अदरवाइज मेक अ लिटररी टेक्स्ट रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चर्स दैट आर इंटरवोवन but not in a definite way that closes the meaning of the text. मतलब कि एक टेक्स्ट में क्या-क्या structures interwoven है, मतलब कि बुने हुए हैं उसमें, वो निकलेंगे बाहर कैसे, in five codes की मदद से. So Barthes defines five codes that define a network or a topos, network को topos भी कहेंगे, that form a space of meaning that the text runs through. Text in codes के ऊपर चलता है, in codes की वजह से चलता है, according to Roland Barthes. तो अब हम वन बाय वन वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस फाइव कोड्स. सो फर्स्ट कोड वी हैव द हर्मेन्यूटिक कोड, और द मीनिंग ऑफ हर्मेन्यूटिक कोड इज आल्सो द मिस्ट्रीज ऑफ द टेक्स्ट, दैट व्हाट आर द मिस्ट्रीज इन द टेक्स्ट. थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं. वैसे आपको बस इतना याद रखने की जरूरत है कि ही हैज गिवन फाइव कोड्स फॉर यूजीसी नेट स्पेशली, फाइव कोड्स, उनके नाम ये है, बस दैट्स इट. इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है. फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि हर्मेनेटिक कोड इज एसोसिएटेड विद एनिग्मास ऑफ द टेक्स्ट. एनिग्मा क्या होते हैं? पजल्स, रिडल्स. पजल्स क्या है उसमें, सस्पेंस क्या है, पजल्स एंड मिस्ट्रीज दैट द टेक्स्ट मे और मे नॉट इवेंचुअली आंसर बट विल मोस्ट लाइकली डेफर एंड मिसडायरेक्ट दैट आंसर कीपिंग द रीडर गेसिंग एलिमेंट्स लाइक हु डिड व्हाट. इसमें ये वो वाला कोड है जिसमें टेक्स्ट नहीं बताएगा आपको कि ये क्या है, क्या चल क्या रहा है, वो एक सस्पेंस क्रिएट करेगा, पजल क्रिएट करेगा, वो रीडर्स को बताएगा नहीं, उनको उन पे छोड़ देगा कि वो गेस करें कि किसने क्या किया. तो ये वो वाला कोड है जो कि मिस्ट्रीज डिफाइन करता है एक टेक्स्ट में, क्या क्या उसमें पजल है, और हु डिड व्हाट, हु व्हाट व्हेन, किसने क्या किया, कब किया. ठीक है जी. नेक्स्ट कोड वी हैव प्रोएरेटिक कोड, द नैरेटिव ड्राइव ऑफ द टेक्स्ट, जो कि नैरेटिव को आगे लेकर जाता है.
it takes narrative further. How? So this is a progression of sequence in a way. It encompasses the actions or small sequence of the narrative, which creates narrative tension. Small sequence jo hai narrative ke, narration ke, usko hi aage leke jata hai by telling us that someone had been sleeping. So we now anticipate them waking up, thus creating a small structure of narrative tension and expectations. Maan lo, for example, somebody is sleeping. So there is an expectation that if somebody is sleeping, so obviously he will wake up. Agar koi so raha hai, to obviously baat hai, uske baad uthega. To ye jo progression hai events ka, ek sequence hai jo narrative ka, wo jo nirdharit karta hai, wo code hai, proairetic code. To ye expectations hoti hai ek hisab se. To this, out of these units, the whole narrative has a forward drive. Forward drive hai ek hisab se. Third code we have semantic code, which means connotations. Connotation hota hai symbolical meaning. Literal meaning se hat ke, jo ek meaning hota hai, usse kehte hai connotation. Aur additional meaning, ki additional meaning kya hai? Matlab ki ek hisab se symbolic meaning. So, semantic code concerns meaning, but at the level of connotation. That is the meanings beyond the literal denotation of the words. Denotation hota hai literal meaning. So literal meaning ke alawa text kya keh raha hai, wo hota hai semantic code. The resonances, additional linguistic associations, the connections between images and so on. These meanings may well be unstable, multiple and change through the story. Badal sakte hain, story ke saath saath badalte hain ye. For example, the mention of party and mention are all seems for the concept wealth. Agar koi party ki baat kar raha hai, कोई mention, कोई palace की बात कर रहा है, तो obviously बात है कि they are talking about wealth. Party कौन करेगा? जिसके पास पैसा होगा. दारू कौन पिएगा? जिसके पास पैसा होगा. घूमेगा कौन? फालतू का petrol कौन फूकेगा? जिसके पास पैसा होगा. तो ये जो फालतू की parties और पैसा, mention, palace है, ये क्या symbolize कर रहा है? Wealth. तो वैसे ही उस code को कहते हैं semantic code. Fourth code है हमारा symbolic code. So symbolic code, वैसे देखो हम सिंबल्स की ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सिंबॉलिक सिमेंटिक है. अब इसमें सिंबॉलिक क्या है? सो इट प्रोड्यूसेस अ स्ट्रक्चर ऑफ सिंबॉलिक मीनिंग्स. सो दीज स्ट्रक्चर्स आर ऑफन पेयर्ड, पेयर्स बने होते हैं इनके. सो सिंबॉलिक मीनिंग्स दैट अक्यूमुलेट थ्रू आउट द टेक्स्ट टू एस्टेब्लिश अ लार्जर स्ट्रक्चर इन विच द मीनिंग्स ऑफ द स्टोरी अनफोल्ड. ये एक लार्जर स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है ये, जिससे कि स्टोरी का हमें पता लग सके. दीज सिंबॉलिक क्लस्टर्स ऑफ मीनिंग्स माइट बी अराउंड सच अपोजिशंस सच एज मेल फीमेल, इनसाइड आउटसाइड, हिडन रिवील्ड, हॉट कोल्ड. ऐसे ऐसे पेयर्स बने होते हैं सिंबॉलिक पेयर्स. सम ऑफ द की सिंबॉलिक प्रोसेसेस इन सरासिन, जिसकी हम बात कर रहे हैं शॉर्ट स्टोरी, अकॉर्डिंग टू बार्स, तो ही हैज टॉक्ड अबाउट थ्री सिंबॉलिक कोड्स इन सरासिन. वो कोड्स कौन कौन से, कई बार हो सकता है पूछ ले यूजीसी नेट वाले, तो इसीलिए मैंने यहां पर आपके ये लिखे हैं. आई हैव रिटन थ्री कोड्स इन सरासिन, थ्री सिंबॉलिक कोड्स दैट रोला बार्थेस फाउंड. नंबर वन इज रेटरिकल, सेकंड सेक्सुअल, थर्ड इकोनॉमिक. बस इसके नाम याद रख लो, नेम्स आर एनफ. लास्ट कोड वी हैव कल्चरल कोड. कल्चरल एज द नेम सजेस्ट मस्ट बी समथिंग अबाउट द बैकग्राउंड, the culture, the background knowledge of the text. The culture code is constituted by the points at which the text refers to common bodies of knowledge. Ki common bodies of knowledge ke matlab hai ki what is the culture. Jab ek literary work likha gaya us duran kya culture hai, kya culture chal raha hai, kya common body, kya knowledge hai, kya chal raha hai. These might be agreed shared knowledge, jo ki public domain mein ho, ki shared knowledge hai ki haan ye culture chal raha hai. Or an assertion of axiomatic truths. So, is hisab se, this is all about culture. So, we talked about five codes given by Roland Barthes in his work Sarrasine in 1970. And these all codes make a structure of a text. So, ye structuralism hai, usi ka ye pedaish hai. Roland Barthes और उसी की पैदाइश ये वर्क है. उसमें चार पांच कोड्स हैं, इनको याद कर लो, इनको समझ लो अच्छे से. यूजीसी नेट में कभी भी पूछे जा सकते हैं और कहीं भी पूछे जा सकते हैं. सो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू मेक इट एज इजी एज इट कुड बी.
So thank you so much. Till then, enjoy. Bye. And you can follow me on Instagram as well if you like.